हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द ऑइंटमेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑइंटमेंट की डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑइंटमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑइंटमेंट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑइंटमेंट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर अप्लीकेशन टू द स्किन, यूजली कंटेन मेडिकामेंट आर मेडिकामेंट्स डिजॉल्व सस्पेंडेड आर इमल्सिफाइड इन द ऑइंटमेंट बेस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जो हमारे ऑइंटमेंट हैं, ये एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं। इनको हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर जो हमारे हैं वो मेडिकामेंट हैं या है हमारे मेडिकामेंट्स हैं, उनको हम डिजॉल्व फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में या जो है इमल्सिफाइड फॉर्म में ऑइंटमेंट बेस के अंदर हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, डालते हैं। द ऑइंटमेंट आर यूजुअली यूज्ड एज प्रोटेक्टिव आर इमोलिएंट फॉर द स्किन। तो जो हमारे ऑइंटमेंट हैं, उनको हम लोग मेनली यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमारी स्किन को करने के लिए, जो इमोलिएंट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द इमोलिएंट, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारी स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं और थोड़ा कूलिंग इफेक्ट या सूदिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमको एक अच्छा फील होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ऑइंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सॉलिड इमल्सन आर रिफर्ड एज क्रीम। तो अगर हमारा जो ऑइंटमेंट है वो एक प्रकार का अगर है सेमी सॉलिड इमल्सन है, तो उसको हम अधिकतर क्रीम कहते हैं। और अगर जो हमारा ऑइंटमेंट और क्रीम है उसके अंदर अधिक मात्रा में इन डिजॉल्व पाउडर है, मीन्स जो हमने उसमें कंटेंट ऐड किया, जो पाउडर ऐड किया, वो अगर उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, इन सॉल्युबल फॉर्म में अगर उसके अंदर रहता है, तो उसको हम अधिकतर पेस्ट कहते हैं। तो जो हमारा ऑइंटमेंट है, अगर उसके अंदर हमारा कंटेंट है या जो हमारी ड्रग है वो अगर होती है इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सॉलिड इमल्सन के फॉर्म में रहती है, तब हम उसको क्रीम कहते हैं। और अगर इसके अंदर जो भी हमने हमारी ड्रग और जो इंग्रेडिएंट है उनको अगर हम ऐड करते हैं और वो उसके अंदर इनसॉल्वेबल होते हैं, जो भी हमने बेस यूज किया है उसके अंदर वो अगर इनसॉल्वेबल होते हैं, तो उनको हम अधिकतर पेस्ट कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द ऑइंटमेंट के बारे में। तो जो हमारे ऑइंटमेंट हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है, दैट इज वाटर इनसॉल्वेबल ऑइंटमेंट। इस कंडीशन में जो भी हमारा ऑइंटमेंट का बेस है, जो ऑइंटमेंट का कंटेंट है, वो वाटर में इनसॉल्वेबल होता है। और जो हमारा दूसरा टाइप है, दैट इज वाटर सॉल्वेबल ऑइंटमेंट। इसमें जो भी हमारे ऑइंटमेंट का बेस है या जो हमारे इंग्रेडिएंट है, वो वाटर में सॉल्वेबल होते हैं। तो अगर इसको हम जो आगे क्लासिफाई करते हैं, जो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसका पहला टाइप है, दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, और जो हमारा दूसरा है, दैट इज नॉन इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। को जो हमारा है वाटर सॉल्वेबल ऑइंटमेंट है, उसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और दूसरा है नॉन इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑइंटमेंट के बारे में। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द पेनेट्रेशन और अकॉर्डिंग टू थेरेप्यूटिक यूज। इन दो क्लास में हम अपने ऑइंटमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से वो हमारी स्किन के अंदर हो रहे हैं, पेनेट्रेट हो रहे हैं, या हम उसको किस जो है लेते हैं थेरेप्यूटिक यूज में लेते हैं, उनके अनुसार हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेनेट्रेशन, तो इसको भी हम फर्दर तीन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा इपिडर्मिक ऑइंटमेंट, दूसरा है हमारा इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, और जो हमारा तीसरा है ये है डायाडर्मिक ऑइंटमेंट। तो इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा पहला है, दैट इज कॉल्ड द इपिडर्मिक ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट आर मेंट फॉर एक्शन ऑन द इपिडर्मिस ऑफ द फॉर द लोकल इफेक्ट, और इस कंडीशन में हमें एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं।
तो ये वो ऑइंटमेंट है वो जो कि हमारी जो स्किन है उसकी जो इपीडर्मिस के ऊपर हम इनको लोकल इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारी स्किन की ऊपरी सतह है उसको हम कहते हैं इपीडर्मिस, और उसके ऊपर हम इसको लोकल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारी स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और अगर हम इनके यूज़ की बात करते हैं, दे आर मेनली यूज्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक, लोकल एंटी इन्फेक्टिव, एंड हम इनको यूज करते हैं एज ए पैरासाइटिक भी हम इनको यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ हमें चोट वगैरह लग गई है तो जो है एंटीसेप्टिक इफेक्ट के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। हमारी स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं एज ए एंटी इन्फेक्टिव यूज़ करते हैं। या जो भी हमारे होते हैं पैरासाइटिक, वो लाइक आप लोगों ने ये देखा होगा कि काफ़ी सारी क्रीम्स आती हैं जिनको हम लोग अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं जिससे हमको मच्छर वगैरह नहीं काटते हैं, तो वो हमारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट। दीज ऑइंटमेंट आर मेंट फॉर एक्शन ऑन द डीपर लेयर ऑफ द क्यूटेनियस टिश्यू। तो इस कंडीशन में हमें पार्शियल एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका जो एक्शन है वो हमारी इपीडर्मिस के अंदर जो हमारी वो लेयर्स हैं वो है हमारी वो क्यूटेनियस टिश्यूज हैं वहाँ पे हमें एक्शन की आवश्यकता होती है। तो इनको हम कहते हैं इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट। दे आर मेनली यूज्ड एज ए इमोलियंट की वो तरह हम इनको यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट की वो तरह हम यूज़ करते हैं, और लोकल इरिटेंट की तरह हम इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स को यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारा अगला है दैट इज़ द डायाडर्मिक ऑइंटमेंट। दीज ऑइंटमेंट आर मेंट फॉर द डीप जो पेनेट्रेशन एंड वो रिलीज ऑफ द मेडिकामेंट। तो ये ऑइंटमेंट जो है इनको हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि ये हमारी स्किन के अंदर हो, पेनेट्रेट हो, और वहाँ पे जाके अपने जो हमने ड्रग उसमें ऐड किया है, जो भी हमारे हैं मेडिकामेंट्स हैं, वो वहाँ पे जाके रिलीज हो और फिर वो उसके थ्रू पास होके हमारे सिस्टमिक आए, वो सर्कुलेशन में हमारे ब्लड में आए और वहाँ पे जाके हमें इफेक्ट दिखाएं। तो उस कंडीशन में जो हमारे ऑइंटमेंट होते हैं उनको हम डायाडर्मिक ऑइंटमेंट वो कहते हैं। और यहाँ पे हमें एक अच्छा एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारा ड्रग है, जो भी हमारा कंटेंट है, वो स्किन को अच्छे से फास्टली अगर करता है, पेनेट्रेट करता है, और उसके बाद में वो हमारे सिस्टमिक आता है वो सर्कुलेशन में और सिस्टमिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑइंटमेंट है उसको हम डायाडर्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं। हमारे ऑइंटमेंट के क्लासिफिकेशन में जो हमारा अगला टाइप है दैट इज अकॉर्डिंग टू द थेरेप्यूटिक यूज़। तो हम किस तरह से अपने ऑइंटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या है थेरेप्यूटिक यूज़, उसके अनुसार भी हम अपने ऑइंटमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज में। तो यहाँ पे कुछ जो हमारी कैटेगरी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो इसमें क्या है, जो हमारी पहली कैटेगरी है दैट इज़ द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, जो हमारी दूसरी है दैट इज़ द एंटी फंगल ऑइंटमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट, एंटी थेरेप्यूटिक ऑइंटमेंट, एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट एंड काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। तो अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो इनका क्या यूज़ होता है, दे यूज़ टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो भी हमारे घाव वगैरह हो गए हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे कोई भी ना हो माइक्रोबियल कंटामिनेशन, या जो भी वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए हम इन ऑइंटमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें हम अधिकतर क्या यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ द नियोमाइसिन हम इसमें यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसमें जो है बेसिट्रसिन को यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोर टेट्रासाइक्लिन। और भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। जो हमारा अगला है दैट इज़ द एंटी फंगल ऑइंटमेंट। तो इस कंडीशन में वो दे आर यूज टू इनिबिट आर किल द फंगी। तो अगर हमारे स्किन के ऊपर हो गया है फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे उन जो हमारे फंगस हैं उनको किल करने के लिए या उनको इनिबिट करने के लिए हम एंटी फंगल ऑइंटमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से एजेंट्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं,
हम यूज़ करते हैं वो नाइस्टेटिन को यूज़ करते हैं और सैलिसिलिक एसिड को यूज़ करते हैं अधिकतर एंटी फंगल ऑइंटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी है दैट इज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट, दे आर यूज टू रिलीव इन्फ्लामेशन। हमारे स्किन पे हो गई है कोई भी जो एलर्जिक कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, और अगर हमारी स्किन पे हो गई है प्रूरिटिक कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में हम एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट को यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एजेंट जिनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी की वो तरह यूज़ करते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बीटा मिथासोन को यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइड्रो अब कार्टिसोन को यूज़ करते हैं और इसके एसीटेट्स को यूज़ करते हैं एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज़ द एंटी प्यूरिटिक ऑइंटमेंट, दीज आर यूज टू रिलीव ईचिंग। अगर हमारे स्किन पे ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एंटी हलप्रियोटिक ऑइंटमेंट को हम जो है यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम एजेंट यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं वो है हमारा बेंजोकेन एंड कोल तार को हम अधिकतर यूज़ करते हैं एंटी प्रियोटिक ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद जो अगला है हमारा दैट इज द एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट, इट इज कॉजेस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्किन, ये हमारी स्किन को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एंड डिक्रीज द डिस्चार्ज। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारे स्किन से स्वेट वगैरह निकल रहा है उसको जो है रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे एंटी एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट को यूज़ करते हैं। ये हमारी स्किन को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, हल्का सा देता है, सिकोड़ देता है, जिसके कारण कि जो हमारा स्वेट वगैरह है उसके डिस्चार्ज का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारी होती है मतलब पसीने की वो दुर्गंध वगैरह उससे हमें जो है रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम जो है यूज़ करते हैं वो कैलामिन को यूज़ करते हैं, जिंक ऑक्साइड को यूज़ करते हैं, एस्टिक एसिड को यूज़ करते हैं और टैनिक एसिड को यूज़ करते हैं एज एन एस्ट्रिंजेंट इन द ऑइंटमेंट। और इसमें जो हमारा अगला है दैट इज अ काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट, दे आर अप्लाइड लोकली टू इरिटेट द स्किन, ये हम स्किन पे अप्लाई करते हैं लोकली जिससे कि एक इरिटेशन कॉज होती है, सो वो रिड्यूसिंग आर रिलीविंग अनदर इरिटेशन आर डीप सीटेड पेन। तो अगर हमें और किसी दूसरे प्रकार की इरिटेशन हो रही है तो उससे हमें जो वो रिलीव मिलता है या वो कम हो जाती है, या अगर हमारी स्किन के अंदर वो नीचे की साइड कहीं पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आराम मिलता है। तो मतलब तो इसलिए हम यहाँ पे काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट को यूज़ करते हैं। वो काउंटर मतलब कि जो भी हमारा इरिटेशन है उसको जो वो रिड्यूस करने के लिए हम एक अलग प्रकार का इरिटेशन अगर क्रिएट करें तो वो उसको जो है आप कह सकते हो वो काउंटर बैलेंस कर देता है, उसके ऊपर वो आ जाता है जिसके कारण कि वो इरिटेशन जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है या उससे हमें रिलीव मिलता है। तो इसमें हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे कैप्सिकम को यूज़ करते हैं, मेथिल सैलिलेट को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ओलियो रेजिन्स को यूज़ करते हैं और आयोडीन को यूज़ करते हैं एज एन काउंटर इरिटेंट इन द ऑइंटमेंट। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑइंटमेंट का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।